हैप्पी नवरात्रि टू ऑल ऑफ यू माय डियर फ्रेंड्स। मैं पूनम पूनम सेन किचन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं व्रत की रेसिपी लेके आई हूँ। अभी नवरात्र चल रहे हैं, आप नवरात्र में इसको बनाकर ट्राई कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी चटपटी सी रेसिपी है। सिंघाड़े के आटे से चीले बनाएंगे। बहुत ही कम तेल या घी में आप इसे रेडी कर सकते हैं और ये हेल्दी भी है। अगर आप ज़्यादा तेल या घी नहीं खाना चाहते तो ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है आप सभी के लिए और ये फटाफट रेडी भी हो जाता है। तो फटाफट से बनने वाली इस रेसिपी को तुरंत देख लेते हैं। सिंघाड़े के आटे का चीला बनाने के लिए हमें सबसे पहले लेना है सिंघाड़े का आटा। तो मैंने ये 1 कप सिंघाड़े का आटा लिया है, इसको एक बाउल में निकाल लेंगे। साथ ही इसमें 3 से 4 हरी मिर्च बारीक बारीक चॉप कर ली है, इसको डाल देंगे। आप ये अपने अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन चीला जब चटपटा होता है तभी अच्छा लगता है, तो आप थोड़ा सा तीखा रखिएगा। कटा हुआ हरा धनिया ये थोड़ा ज़्यादा डालिएगा चीले में। एक आलू को लेंगे और इस तरीके से ग्रेट कर लेंगे ग्रेटर की हेल्प से। अगर आप आलू नहीं डालना चाहते हो तो स्किप कर दीजिएगा इसको। आलू को अच्छे से ग्रेट कर लिया है, यहाँ पे डाल देंगे 1/2 स्पून जीरा। ये डाल रहे हैं सेंधा नमक, तो ये आप अपने टेस्ट के अनुसार डाल लीजिएगा। सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप अगर अदरक खाते हैं तो बारीक बारीक चॉप करके अदरक भी डाल सकते हैं। मैं नहीं खाती हूँ, मैं इसमें नहीं ऐड कर रही हूँ। लाल मिर्च अगर खाते हैं तो लाल मिर्च। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका घोल बनाएंगे। ज़्यादा पानी ना डालें क्योंकि घोल इसका थोड़ा सा गाढ़ा रहेगा। चीले का बैटर हमें इस तरीके का रेडी करना है, देखिए इतना गाढ़ा होना चाहिए। अब इसको ढककर रख देंगे 5 मिनट के लिए। 5 मिनट हो गया है और इसको एक बार अच्छे से मिक्स करेंगे। अब चीले बनाना स्टार्ट करते हैं। एक नॉन स्टिक पैन रखेंगे, ये मैंने तवा रखा है, इसको गर्म कर लेंगे। थोड़ा सा घी डाल के इसको हल्का सा चिकना कर लेंगे इस तरीके से स्पून से। चीला बनाने के लिए हमें जितना बड़ा चीला बनाना है उतना बड़ा हमें बैटर लेना होगा, मतलब उतना ही बैटर लीजिए। और मीडियम साइज़ का बनाना है तो मैं मीडियम साइज़ के बना रही हूँ, तो आप इस हिसाब से इसको फैला दीजिए स्पैचुला की हेल्प से। इस तरीके से थोड़ा सा मोटा ही आप फैलाइएगा, क्योंकि ज़्यादा पतला होगा तो जब हम उठाएंगे ना तो ये टूट जाएगा। तो इस तरीके से इसको पकने देंगे 2 से 3 मिनट, और जब ऊपर से ड्राई हो जाएगा तो थोड़ा सा घी डालेंगे इसमें। गैस का फ्लेम स्लो रखिए इस टाइम पर। अब थोड़ा सा घी इसके ऊपर डाल देंगे क्योंकि ऊपर का ये ड्राई हो रहा है ना, तो बस हल्का सा इसको फैला देंगे इस तरीके से। अब इसको इस स्पैचुला की हेल्प से पलट लेते हैं, तो इस तरीके से पलट लीजिए। ये देखिए कितना अच्छा कलर आ गया है, और हल्का हल्का प्रेस कर देंगे इसको भी। 2 से 3 मिनट हम पका लेंगे इस तरीके से। इसको पलट लेते हैं और बस थोड़ा सा और सेक लें। ये देखिए पक गया है, इसको निकाल लेते हैं एक सर्विंग प्लेट में। और इसी सेम प्रोसेस से हम सभी चीले बनाकर रेडी कर लेंगे। ये देखिए हमने चीले बनाकर रेडी कर लिए हैं और हरी चटनी के साथ सर्व किया है। हरी चटनी की रेसिपी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी, जो कि व्रत में आप खा सकते हैं। थोड़ा सा दही डाल दिया उसमें, बहुत ही चटपटी चटनी बनती है। अगर आज की रेसिपी आपको पसंद आई हो तो लाइक का बटन ज़रूर दबा दें, और मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें। बाय बाय।